বোঝো না কি তুমি ও নো আমার মিটার যখন তুমি একদম গন্ধ বাবা আমার মিটার জল তুমি বলছো ব্লগ বানাতে বাবা বাবা এসেছে বাবা এসে গেছে ও নো আমার চিৎকার তুমি চুমু দেবে না তোমার মা পাগল হয়ে গেছে তুমি কি জানো আমার মেয়ের একদম পছন্দ হচ্ছে সব মজা হাসি তুমি বেরিয়ে দাও বেরিয়ে দাও কি বললে তুমি हमको बोलिए अपने लगता मार के आइए अभी बुखार सुने हमारा सासू मां हमारे ऊपर डिगी थी এবারে জ্বরের খবর শুনে আমার শাশুমা ফোন করবে আমার মেয়েকে মেরে শুয়েছি আমি জ্বরের নাটক করতেই ফোন করেছি মা ফোনটা তোল গালাগালি খাও আমার বুকাল সস্তে মাম্মি পাগল হয়ে গেছে কোন বাত নেই এসব কি আমাকে পাতা হয় মাম্মি পাগল না কোন বাত নেই আমি যখন নাটক করি তখন ফোনটা চালিয়ে দেওয়া হলো নিজেই কিন্তু কিছু বললো না অন্যার অসহ্য অন্যার কুছ বললি আপ মেরে বারে মে ক্যা বলে ইতনা আচ্ছা মম্মি কাহাঁ মিলেগি বিচারে রো রহি থি তুম নাটক করকে চুপ করা बुखार से रो रही थी इसको थोड़ा बुखार आ गया तो ये पूरा रो रही थी बहुत तो ये अपना नाटक स्टार्ट की तो इसका शांति से सुन रही है मम्मी कौन से भाषा में बोल रही है ये हंस रही है मम्मा मम्मा मैं छोटा हमारी बेटी का थोड़ा सा ना तबीयत खराब है समझे क्या कोई नहीं हमारी बेटी मेले तला है थोड़ी देर में फुटफुट 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 करके भागेगी अच्छे एकदम करके उल्टी है पचीना 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 निकलेगा ना है अभी थोड़ा सा खिला है लेकिन शरीर थोड़ा गर्म है लगता है जलपट्टी दे मम्मी रहती तो मम्मी करती है हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है हम क्या करें तो इसमें थोड़ा सा ऐसे फालतू गाना और फालतू कॉमेडी कर रहे ताकि मेरा बेटी थोड़ा सा हंसे ना थोड़ा सा हंसे जलपट्टी दे दे क्या हाँ ले क्या तो हमको लगा आप अपना हाथ से जलपट्टी दे रहे देख रहे तो बुखार सुबह से रो रही है तो आज मम्पी थोड़ा सा पागलपंती करके भी इसका काम आ जाता है मायरा को चुप कराने में बट क्या बोली मुझे समझ में नहीं आया आपको थोड़ा सा इसका तबियत खराब हो गया वो बेटा कह रही है शाम में जाएंगे डॉक्टर है ना शाम में जाएंगे डॉक्टर इसका दवाई नहीं रखी गमछी में खत्म हो गया क्या दवाई है हम मम्मी देती है ना इसका दवा वो तो उसे पता नहीं है तो मम्मी देती है तो मम्मी से पूछ हाँ। लेते ना फोन करके पूछ दवाई का फोटो खींच के मम्मी को पहले भेजिए फिर आप फोन करते हैं वो नील बड़ा
अरे इसका ये हो गया ना डैंड्रफ टाइप का। ले बाप नहीं देख सकता क्या? तो सो जाएगी तभी कर पाएंगे इसको। उधर रख दो भागे और हम लोग इसके पीछे जाए। मायरा मेरा बेबी अब समझ में आता है। जब हमें लगता था हमें बुखार रहता था और मम्मी को कहते थे मम्मी टेंशन ना लो हम ठीक है, तब मम्मी हमारे पीछे भागी लगता नहीं मम्मी काहे इतना टेंशन लेती है। अब जब ये करती तब लगता नहीं, जब तक प्रॉपर ठीक नहीं होगा तब तक सामने ही बैठेगा, झुकेगा नहीं।
चलिए इसको तो हिलने का भी मन नहीं कर रहा। अब अगर एक घंटे में अगर इसको बुखार उखार चढ़ा ज्यादा तो डॉक्टर से दिखा देंगे। अभी थोड़ा बहुत जो करना है कर लो, बाकी एक घंटे बाद डॉक्टर दिखा देंगे। मम्मी को फोन करते हैं। तो गाइस मिलते हैं थोड़ी देर बाद, आई थिंक नेक्स्ट ब्लॉग पे ही मिलते हैं। ये ब्लॉग को एंड कर देते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा हो गया। और अभी देख लेते हैं मायरा का क्या है, अगर बुखार आ जाता। अभी तो वैसे बुखार थोड़ा सा है, बहुत शांत हो गई है, तो इसीलिए मम्पी इसको एंटरटेन करने के लिए वो नाटक कंपनी वाली बन जाती है। मम्पी ठीक है, मायरा के लिए बेस्ट है। मतलब अगर खिलाना हो तो एकदम अच्छे से खिलाती भी है, और अगर हंसाना भी होता तो क्या क्या कॉमेडी करके आती है। वोमिटिंग का है, हाँ पता है, पढ़ लिया। एक ही वोमिटिंग आया तो समझ गया कि वोमिटिंग का है, बहुत तेज है। तो उतना दिमाग लगाना पड़ता है, सब कॉमन सेंस है। तुम्हारे पास दिमाग है? तुम्हारे पास है दिमाग? कॉमन सेंस है। ये मौत। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। ये बोली तो कौन सा दवाई है आपको दिखाओ? विटामिन का होगा, टैनिक प्लस, तो विटामिन का ही होगा। हम लोग टॉनिक बोलते हैं इसको, टैनिक बोलते होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, राहुल डॉट मम्मी में मिलते हैं। और नहीं है, और अगर इसकी तबीयत खराब, मतलब अगर बुखार आता है तो डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, फिर आपको अपडेट दे देंगे। वैसे अभी ठीक है हमारी बेटी, टेंशन की बात नहीं है, बस थोड़ा शांत हो गई है। और हाँ बेटा दवाई देख के कर रही है। मम्मा उल्टी वाला दवाई।